वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। और मैं जय चाय आपके लिए लाया हूं एक और नया वीडियो जो डिपेंड करेगा आपके फिगर काउंटिंग पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम करेंगे। सारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के सेट पैटर्न के सवाल ना हो। जी बिल्कुल दोस्तों, ये सेट पैटर्न है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम या और अन्य एग्जाम्स में, इनका वेटेज पूरा रहता है। देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों। सरल रेखा पर यानी कि लाइंस पर, वृत्त पर यानी सर्किल, और इसमें काउंट करने होते हैं लाइनें कितनी हैं, वृत्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, त्रिभुज कितने और चतुर्भुज कितने हैं। तो दोस्तों आज इस पर वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्हें बहुत अच्छी रीजनिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। पहला हम जो इसमें टॉपिक देखते हैं वो देखेंगे सरल रेखा पर और उसके बाद देखेंगे वृत्त पर, कैसे काउंटिंग करनी होती है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है ट्रिक और कंसंट्रेशन यानी कि पूरी एकाग्रता पर, ध्यान पर आपका ये डिपेंड करता है। आकृति दोस्तों कैसी भी वो दे सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है फाइंड आउट क्या करना है, खोजना क्या है, बताना क्या है, क्या गिनना है। तो पहला यहां हम लेते हैं सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब आपको कोई भी आकृति दे दी जाए, कोई भी आकृति, और कह दिया जाए कि बताइए कितनी सरल रेखाएं हैं। तो इसमें तीन तरह की रेखाएं हमारे पास मिलती हैं किसी भी आकृति में, किसी भी ज्यामिति आकृति में। एक तो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है डायगोनल तिरछी। मैं इसके बारे में पूरा जिक्र करके आपको बताऊंगा। जैसे एक बिंदु से दूसरी जगह तक जहां तक लाइन खींची जाए, ये एक सरल रेखा है। कहने का मतलब अगर यहां से मैं यहां लाइन खींच दूं तो ये केवल एक ही लाइन है। अगर आपको काउंट करने के लिए कहा जाए आप कहें एक दो तीन चार लाइन है तो गलत होगा ये आंसर आपका। कहने का मतलब एक बिंदु से सीधी अगर लाइन जा रही है तो ये एक ही सरल रेखा है, और यहां से यह पूरी लाइन सीधी यहां जा रही है तो ये एक सरल रेखा है, यानी कि दो ही रेखाएं हैं। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और अगर इस तरह से तिरछी लाइन होती तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो अब हमारे पास जो रेखाएं हैं वो तीन हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तीन ही रेखाएं। देखते हैं इसके ऊपर कितनी रेखाएं हैं। तो वर्टिकल देखते हैं, खड़ी रेखाएं एक और एक दो, इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप ना लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बड़ी लाइन है, एक और एक दो। डायगोनल तिरछी लाइन हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा कितनी सरल रेखाएं हैं, चार। आगे देखते हैं, अगर मैं इसमें एक लाइन यूं खींच दूं और एक लाइन यूं खींच दूं, अब बताएं कितनी सरल रेखाएं हैं। तो बात वही है, एक दो तीन चार पांच और छह, यानी कि इस बार डायगोनल दो लाइनें और हैं, अब हमारा आंसर हो जाएगा छह। दो डायगोनल, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल, खड़ी लाइनें दो, पड़ी हुई लाइनें दो, और डायगोनल लाइन भी हमारे पास कितनी है, दो। तो ये है सरल रेखा का कंसेप्ट। मैं एक और आकृति बना लेता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं मैं और नई आकृति बना देता हूं आपके लिए। आकृति वो कुछ भी दे सकता है, बस ध्यान ये रखना है उसने आंसर में क्या पूछा है, क्या खोज कर बताना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कितनी सरल रेखाएं हैं, आकृति कुछ भी हो सकता है, हालांकि सीधी लाइन है, आप नहीं समझना कि ये लाइन मैंने सीधी ही बनाई। तो अब इसमें काउंट करके आप बताएं, जो लोग पुराने हैं या जिन्होंने तैयारी कर रखी है आप एक बार देखें
इसका कंसेप्ट किस तरह से काम कर रहा है, आप बताएं कितने हो। जो नए लोग हैं वो देखते रहें कैसे काउंटिंग होती है। तो पहली बात तो ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन लिख लेंगे तो बेटर ये रहेगा कि मन में काउंट करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, लिख कर करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां होंगी तो पास करना एग्जाम को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि पहले मैं वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन, खड़ी लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन है, तो ये एक, ये कितनी हो गई, दो। वर्टिकल लाइन में गिन चुका, दो ही है खड़ी लाइन। अब मैं पड़ी हुई लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल देख लेता हूं, एक तो ये, क्योंकि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये दिखाई दे रही है बिल्कुल सीधी। अगर ये कहीं पर भी सीधी होकर टेढ़ी होती तो वहां मैं अगला काउंट करता, एक और काउंट कर लेता, लेकिन यहां से यहां तक ये बिल्कुल सीधी है तो मैं एक ही काउंट करूंगा। तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, कितनी हो गई, दो। अब देखते हैं डायगोनल कितनी है, एक दो तीन चार, डायगोनल कितनी है, चार। इसका मतलब अगर मैं सारी काउंट करूं तो दो और दो चार और चार आठ, मेरा आंसर आएगा कि इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं, आठ हैं। कहने का मतलब अगर किसी बिंदु से सीधी जाकर मिल रही है तो ये एक ही काउंट होगी, लेकिन देखते हैं यहां पर इस लाइन को एक काउंट किया और इसके बाद इसको दूसरे रूप में काउंट किया मैंने, क्योंकि ये यहां से चलकर यहां खत्म हो रही है और यहां से ये एक और नई लाइन बन रही है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग काउंट किया, एक दो तीन चार। डायगोनल चार है, तिरछी लाइन चार है, पड़ी हुई लाइन इस तरह से दो है, और वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइनें आपके पास दो है। इस तरह से सरल रेखाओं की जो काउंटिंग हुई वो हुई आठ के रूप में, यानी सरल रेखाएं इस आकृति में जो बनी है वो आठ लाइनें काम में ली गई है। अगला हम देखते हैं वृत्त, देखते हैं वृत्त कैसे काउंट करते हैं। आपको पता है कि कोई भी गोल आकृति सर्किल कहलाती है, यानी कि वृत्त कहलाती है, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। अब वो ऐसा कर देता है कि कहीं पर इस तरह से पूछ लेता है कि बताइए कितने वृत्त हैं, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं एक दो और तीन, कितने वृत्त हैं, तीन। लेकिन इसमें वो कुछ और कर देता है, इस तरह से कुछ बना देता है, आप गिनकर बताएं कितने हैं, आप गिनकर बताएं कितने वृत्त हैं। तो जो गोलाकार आकृति है वो वृत्त है, और मुझे जो साफ साफ दिखाई देगा एक दो तीन, मैं टिक कर देता हूं एक दो और तीन, तीन अंदर वाले गोले मैंने गिन लिए, वृत्त गिन लिए, सर्किल गिन लिए, तीन तो ही। इसके बाद चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, इसमें कितने वृत्त हैं, ग्यारह। ये काम दोनों बड़े ही आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा काम पूछ लिया जाता है सरल रेखाओं में, या उसके बाद जो बचते हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर, इन पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है, आता ही आता है, और बच्चों को परेशान करता है। ट्रिक भी देखेंगे और देखेंगे कि हम अपना काम कहां तक कर सकते हैं, ट्रिक भी चलेगा आपका काम भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिक से ही पूरा काम हो जाएगा, दोनों तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सरल रेखा का कंसेप्ट ये है, सर्किल का ये है, एक और बना देता हूं मैं, यहां देखते हैं आप बताएं कितने सर्किल हैं, गिनकर बताएं कितने सर्किल हैं। तो काम वही है, अंदर एक बाहर एक दो तीन चार पांच छह सात, इसमें कितने सर्किल हैं, सात सर्किल हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये कोई आकृति बन गई है और सर्किल है, नहीं, ये सर्किल नहीं है, गोलाकार आकृति नहीं है, गोलाकार आकृतियां ये हैं, और इनको गिनने पर सीधा सीधा पता चलता है सात है। सरल रेखा का कंसेप्ट ये है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जहां रुकती है वो एक सरल रेखा है, अगर कहीं टेढ़ी जा रही है तो वो अन्य रूप में एक और के रूप में गिनी जाएगी, और इस तरह से हम काउंट करते हैं सरल रेखा और सर्किल। एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे सर्किल पर, देखें आप बता पाते हैं,
आपको यह बताना है कि सरल रेखाएं कितनी हैं। ये आकृति आपको बनाकर दे दी मैंने, कुछ भी बना लीजिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट को देखते रहिए। बेसिक से चल रहा हूं, पार्ट वन आज बनाया है फिगर काउंटिंग पे, आकृति गिनने पर दूसरा पार्ट भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा। और एग्जाम के सवाल कहाँ आए, कैसे आए, किस तरह से हम काम कर सकते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस वीडियो के नाम से लेकर आएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में फिर से सरल रेखा बताया, वृत्त बताया, वृत्त बताया, फिर मैं पूछ रहा हूं कि आप बताएं सरल रेखा कितनी है, कैसे आप काउंट करते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे आप। तो देखते हैं, वही बात है, अगर आप डायग्राम बनाना चाहें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डायग्राम का, तो आप बना सकते हैं। वर्टिकल देख लेते हैं एक, और राइट का निशान लगाकर आप चेक कर सकते हैं एक, उसके बाद दो, तो कितनी हो गई, दो खड़ी लाइन, जो सीधी खड़ी लाइन है दो ही है। और उसके बाद पड़ी लाइन देखते हैं एक और एक दो, ये एक और एक दो नहीं है, ये पूरी की पूरी एक ही लाइन है, क्योंकि किसी बिंदु से सीधे बिंदु तक अगर कोई लाइन जाती है तो वो एक सरल रेखा ही गिनी जाती है। जैसे यहां मैं एक ही गिना, कहीं आप एक दो और तीन ऐसे नहीं गिन सकते, इन बिंदुओं से सीधी गुजरती है ये लाइन, तो ये सिर्फ एक ही काउंट होती है। इसी प्रकार से एक एक हॉरिजॉन्टल ये हो गई, एक हॉरिजॉन्टल ये हो गई, ये भी कितनी हो गई, दो। अब देखते हैं डायगोनल, एक कोई इशू नहीं है, डायगोनल है, तिरछी लाइन है, एक गिन चुका एक, उसके बाद ये दूसरी दो और ये तीसरी, हालांकि ये नीचे नहीं है लेकिन जितनी दूरी तक सीधी जाएगी एक ही कहलाएगी, तो ये भी कितनी हो गई, तीन। और काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा, सात। यहां लिख देता हूं सात रेखाएं ये हो चुकी हैं, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं वर्टिकल दो, हॉरिजॉन्टल भी दो, और डायगोनल हो गई कितनी, एक दो और तीन, टोटल हो गई सात। बाकी की बात दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कीजिए दोस्तों।